जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव और फाइनेंस कमीशन के मौजूदा सदस्य शशिकांत दास को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर चुना गया है। शशिकांत दास को पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक फैसलों का श्रेय भी काफी हद तक इन्हें ही दिया गया। आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में 2015 से 2017 के बीच दास ने केंद्रीय बैंक के साथ नजदीक से काम किया। इस समय वह G20 में सरकार के प्रतिनिधि भी है। 1980 बैच के तमिलनाडु के IAS अधिकारी शशिकांत दास ने 2014 में राजस्व सचिव का पद संभाला था। पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद वह वित्त मंत्रालय में लाए गए पहले बड़े अधिकारी थे। यह संकेत था कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी क्षमता पर बहुत भरोसा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी इतिहास की डिग्री पर आलोचना हो रही है। आइए देखते हैं यह खास खबर। 10 दिसंबर को RBI के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने जो इस्तीफा दिया, चंद मिनटों में ही गूगल पर RBI ट्रेंड करने लगा। गूगल ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक शक्तिकांत दास का नाम गवर्नर के तौर पर सामने आया तो उनकी पर्सनल प्रोफाइल और शिक्षा के बारे में लोगों ने खोजना शुरू किया। 10 दिसंबर के दौरान उन्हें गूगल पर 10 लाख से ज्यादा बार खोजा गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे कि कैसे इतिहास की डिग्री वाले और फाइनेंस या इकोनॉमी में बिना डिग्री और डॉक्टरेट के उन्हें भारत के केंद्रीय बैंक के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 28 सालों में यह पहला मौका है, अब RBI गवर्नर के पास डॉक्टरेट नहीं है। RBI की जिम्मेदारी संभालने वाले वह 14वें ब्यूरोक्रेट हैं। बाकी RBI प्रमुख दूसरे बैकग्राउंड से आए थे। हालांकि शक्तिकांत के सहपाठियों के अलावा रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान भी मानते हैं कि RBI गवर्नर बनने के लिए डिग्री कोई जरूरी योग्यता नहीं है। आपको बता दें कि नोटबंदी को कारगर बताने वाली टीम में अग्रणी रहे शक्तिकांत GST की पैरवी करने वालों में से एक थे। उनके कुछ ट्वीट भी ट्रोलिंग का शिकार हुए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के दौरान ATM पर भीड़ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग बार बार पैसे लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की योग्यता पर लगातार सवाल तो उठ रहे हैं, साथ ही शक्तिकांत दास की नियुक्ति के बाद से ही उनकी डिग्री को लेकर उनकी तुलना उनके पूर्ववर्ती रघुराम राजन और उर्जित पटेल से भी की जा रही है, जो अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट थे। आपको बता दें कि पहले भी केंद्र सरकार के करीबी माने जाने वाले अधिकारी RBI तक पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को आजाद रखा। देश की जनता का सवाल है कि क्या शशिकांत दास भी ऐसा कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।